पिछले कई दिनों से हरियाणा के कई गांव में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। लोगों के खेतों में खड़ी फसल, कई जगह तो पूरा का पूरा खेत ही पानी में समा गया। बाढ़ से लोगों में दहशत का माहौल है। लोग अपना घर छोड़कर राहत कैंप का शरण ले रहे हैं। आखिर हरियाणा के गांव और शहरों से ये मुसीबत कब टलेगी, एक रिपोर्ट देखिए। हरियाणा दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। हरियाणा में भी कई परिवारों को बाढ़ ने ऐसा दंश दिया कि वो उतना उम्र इसे भूल नहीं पाएंगे। मॉनसून की शुरुआत में ही मानो आसमान से आफत की बरसात हुई, जिसने हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड सहित राजधानी दिल्ली को दहशत में डाल दिया है। खासकर बारिश और बाढ़ ने हरियाणा के कई गाँव को निकल लिया। जहाँ तक नजर जाती है, सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है। खेत खलिहान, मवेशी, घर मकान सब बाढ़ की चपेट में आ गए और लोग पलायन को मजबूर हुए। हम आपको हरियाणा के अलग अलग जगह की कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जो बाढ़ में बर्बाद हुई जिंदगियों का मंजर बयां कर रही हैं। यमुनानगर जिला का गांव टापू कमालपुर मौत के मुहाने पर पहुंच चुका है। अगर देखा जाए तो यमुना ने धीरे धीरे कटाव करते हुए गांव का रुख किया और अब बिल्कुल गांव के पास यमुना आ चुकी है, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी डर का माहौल है। बता दूं कि बहुत सारे गांव के लोग जो हैं वो सुरक्षित स्थानों पर जा चुके हैं और बहुत सारे लोग अभी जाने की तैयारी कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कुछ लोग इस टेम्पो के अंदर घर का सामान भर रहे हैं। हम पूछते हैं गाँव वालों से, भाई साहब क्या नाम है आपका? राजेंद्र। हाँ, क्या नाम है? राजेंद्र कुमार है। राजेंद्र जी, आप सामान भर रहे हैं टेम्पो में, क्या बात, क्या कारण, क्या? सर, पानी का कटाव इतना हो रहा है जी, गांव में उम्मीद ही नहीं है जी, अब क्या कर सकते हैं। मतलब काफी डर है। काफी डर है जी, अब कहाँ जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे, फिर आपको पता ही है जी, फिर अब निकलने में ही फायदा है जी। आज यमुनानगर के डीसी आए थे गाँव में, उन्होंने गाँव वालों से कोई बातचीत की होगी? गाँव वालों से कहा जी, उन्होंने भी एक अपना इंतजाम कर लो, बाकी हम 4 बजे कहते बस भेज देंगे, उसमें जिसको है वो ले जाएंगे, बंदे ले जाएंगे, उनको रहने का इंतजाम कर देंगे। तो सामान का कोई जिम्मेवारी नहीं है, सामान जिसने ले जाना ले जाओ, नहीं ले जाना ना ले जाओ, हम तो बंदे निकालेंगे बस, वो भी एट ए टाइम। तो देखो, ये गांव वाले जो हैं अपना सामान जहां लाद कर कहीं ले जाने की तैयारी में है, कहीं रिश्तेदारी में जाएंगे या कहीं और जाएंगे। और भी कुछ ग्रामीण हैं, हम बात करते हैं, उनका क्या कहना है? भाई साहब, गाँव वाले लोग जो है गाँव खाली कर रहे हैं, क्या कारण, क्या मानते हैं? मेन कारण है जी, जमुना का जो है कटाव बहुत ज्यादा हो रहा है, और कटाव का मतलब है कि यहाँ पे आबादी बस नहीं सकती, क्योंकि एक तरह से पूरे तरह बर्बाद है गांव। तो देखो, गांव वालों में डर का माहौल है। गांव वाले कह रहे हैं कि आधा गांव लगभग जो है अपने रिश्तेदारों के जहां जो है या सुरक्षित स्थानों पर जा चुका है। हालांकि यहां के जो गांव के पुरुष हैं, उनको जरूर पता है कि डीसी साहब यमुनानगर के यहां पर आए, गाँव वालों को क्या आश्वासन दिया। गाँव वालों को यही बोला है कि बसों का इंतजाम कर देंगे, आप एक लिस्ट बना के दे दो और जो जो लोगों की लिस्ट होगी उन लोगों को जो है सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गाँव वालों को ये कहा गया है कि जो लोग हैं उनको ले जाया जाएगा, उनके सामान की कोई जिम्मेवारी नहीं है। हालांकि जिनके घर में पशु हैं या कोई भी भैंस है, जानवर है, उसको जरूर बात की है कि दूसरे स्थानों पर शिफ्ट करवा दिया जाएगा। पहली तस्वीर यमुनानगर की है, जहां बाढ़ ने भारी कहर बरपाया है। कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और कई किसानों की जमीन जल कटाव के कारण यमुना में समा गई। गाँव के लोग दहशत में है कि कहीं उनके घर भी बाढ़ की जद में न आ जाए। तस्वीरों में यमुना का रौद्र रूप और ग्रामीणों में इसका भय साफ तौर पर देखा जा सकता है। डर का आलम यह है कि लोग अपने घर तक को छोड़ने को मजबूर हैं। तो वहीं ये तस्वीर हरियाणा के गोहला चीका की है, जहां खेतों और घरों में पानी घुस गया है कि नदी और खेत में फर्क कर पाना मुश्किल हो रहा है। जहां तक नजर जाती है, सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है। और अब इस तस्वीर को देखिए कि जाखल के घरों में किस तरह से घग्गर नदी ने अपना कब्जा जमा लिया है। घरों में कई फुट पानी भर जाने से लोगों ने अपना आश्रय खो दिया। इसी तरह से हरियाणा के कई इलाके जलमग्न हैं। सिरसा, सोनीपत, पानीपत, जींद, फतेहाबाद, रतिया, सनौली, कालावाली, फरीदाबाद, पलवल जैसे कई इलाकों में मानो भगवान इंद्र ने अपना क्रोध बरपाया हो। इतना ही नहीं, बाढ़ और भारी बारिश के कारण तबाही की कई और तस्वीरें हैं जो रूह को कपा देंगी। बाढ़ से कई रोड धंसे,
तो कहीं पूरा घर नदी में समा गया, तो कहीं पूरी खड़ी फसल बर्बाद हो गई और कई जगहों पर बांध टूटने से भारी तबाही आई। तो वहीं अंबाला, फतेहाबाद, फरीदाबाद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, पंचकुला, पलवल, सिरसा, सोनीपत और यमुनानगर जिला अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं। हालांकि बाढ़ से निपटने के लिए प्रदेश सरकार पूरी कोशिश में है, लेकिन इतनी बड़ी आपदा में सब तक मदद पहुंचाने में प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। लोग परेशान हैं, घबराए हुए हैं और अब देखना यह है कि लोगों को आसमानी आफत से कब तक राहत मिल पाती है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी।